ये पूरी गौशाला है यहाँ की। थक गए? सही जगह मिल गई। ये देख रहे हो भाई, ये पूरी गौशाला यहाँ पर और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही बेहतरीन गौशाला बनी हुई है। मुझे देख के मन खुश हो गया। देख रहे हो, बिल्कुल बढ़िया सा टीन शेड पड़ा हुआ है, गाय आराम कर रही है। उनके बैठने के लिए भी उन्होंने अच्छा सा एक इंतज़ाम कर रखा है, मैट दे रखी है जिससे कि उनको दिक्कत ना हो गाय को। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी यहाँ पर। साथ में कितना बढ़िया, एकदम पूरा वेंटिलेशन है, आसपास पूरा हरियाली है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर मुझे लगता है डाउन बना रहता होगा, बहुत गर्मी पड़ती होगी तब भी। तो इससे ज़्यादा बेहतर जगह मैंने आज तक गौशाला ऐसी नहीं देखी। जैसे कि हम अपने क्षेत्र में, अपने यूपी में मैंने देखे, गाय धूप में ही घूम रही है और बढ़िया से, जितने भी गवर्नमेंट के बन रहे हैं खाने को भूसा ही नहीं है। बट यहाँ पर देखो कितना बढ़िया आराम से बैठी हुई है गाय वगैरह। बाकी गाय बाहर हैं जैसे कि मुझे बताया गया, बाकी यहाँ उनके बच्चे वगैरह हैं, बछड़े हैं। खाने का पूरा इसमें चारा पड़ा हुआ है और ये देखो गाय कितनी प्यारी सी है, आराम से बैठी हुई है। और मैट भी बैठ दे रखी है जिसपे मैट आराम से बैठ सके, इनको दिक्कत ना हो, पानी भी ना जमा हो। इसके लिए देखो नालियाँ प्रॉपर बनाई गई, ढाल में है पूरी नालियाँ यहाँ से वहाँ तक, जिससे यहाँ पर पानी बिल्कुल जमा होगा ही नहीं। साथ में यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए भी देख रहे हो इनलेट है, पाइप वगैरह सारा सिस्टम अच्छे से बना रखा है। और ये बरगद का पेड़, कैसे बने हुए हैं और बढ़िया सी बांधने के लिए जंजीर नहीं, ये देख रहे हो क्या रस्सी टाइप से यूज़ की जाती है, सो वो बेहतर है, इससे उनको हर्ट नहीं होता है। और ये देखो पानी पीने का जो जगह बना रखी है गाय के, कितना बेहतरीन बना रखी है। इसमें इस तरीके से जैसे सिस्टम बना हुआ है, इसमें पूरा का पूरा पीछे भरते नहीं है जिससे पानी बर्बाद होता है। ऐसे क्या हर बार ताज़ा पानी भर दिया, वो पी लिए, तो ताज़ा पानी उनके लिए अच्छा हो गया, उनकी सेहत भी अच्छी बनी रही। अपने यहाँ जैसे नहीं, गांव में जो गौ, अपने इधर गौशाला बनती है उसमें एक बहुत बड़ा सा तालाब से बना देते हैं बीच में, स्विमिंग पूल सा, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देख रहे हो एक जो साइड में एक हल्की सी ये बना दी है पट्टी, इसमें पानी भर दिया है, ताज़ा पानी पीने के लिए हो गया, पी लिया, उसके बाद फिर इसको यहाँ के आसपास के कामों में यूज़ कर लिया और देन फिर वापस इसको शाम टाइम फिर एक बार ताज़ा पानी भर दिया। तो दिन भर गाय के लिए बहुत ही फ्रेश वाटर हमेशा अवेलेबल रहता है। अपने यहाँ क्या है, एक बार भर दिया तो वो दोबारा चेंज ही नहीं हो रहा है, और उस पानी को मतलब अगर निकाला जा रहा है तो रोज़ निकाल नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी होता है कि उसको वेस्ट, एक तरह से वेस्ट मान लो आप, कुछ नहीं कर सकते उसका। और इसका देख रहे हो कितना बढ़िया सिस्टम है इसका, ड्रेनेज भी अगर मतलब पी लिया और बढ़िया फ्रेश वाटर भी है। क्या बनाने जा रहे हैं? नहीं बढ़िया चीज़ है, अच्छा चलिए बढ़िया है, बढ़िया बनाइए बनाइए। और सब बढ़िया भाई साहब, गौशाला ठीक है ना? हाँ गौशाला बढ़िया है। अरे गौशाला बहुत बढ़िया लगी हमको, बहुत साफ सफाई है ना जी? हाँ बहुत साफ सफाई, और पानी का सिस्टम, कहीं पानी रुकता नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है। जानवरों के लिए उन्होंने चटाई बिछा रखी है ना। सो भाई ये पूरा चबूतरा है ना, और इसमें देख रहे हो ये पानी इसमें भर सकते हैं आराम से, पूरा पानी भरने के बाद जानवर पी लेंगे, ये ज़्यादा पानी भर सकते हैं उधर। और इस साइड देख रहे हो इधर थोड़ा अलग सिस्टम बना रखा है, यहाँ पे ये कम पानी भर सकते हैं यहाँ पर इसमें, जिससे क्या पानी की बर्बादी नहीं होती है, इसी पानी से गायों को नहला भी सकते हो और साथ में वो पी भी सकती हैं। बढ़िया सिस्टम बना है यहाँ पर, और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, कहीं भी गंदगी नहीं मिली मुझे कि हाँ चलो पुराना आश्रम है तो बना रहने दो। ये पुराना आश्रम है तब आज इतना अच्छा है, दोस्तों ये पुराना आश्रम है तब आज की समय में ये इतना अच्छा बना हुआ है। और सोचो आज के समय जितने आश्रम बनते हैं उनकी जो हालत है ना जानवरों की, वहाँ पर समझ लो
90-90 गाय दिन भर बनी रहती, खाने को खाना नहीं है, पीने को साफ पानी तक नहीं है। जैसे कि मैं विज़िट करता रहता हूँ तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत मतलब बाहर था मैं बहुत गर्मी लग रही थी, बट यहाँ आके बहुत अच्छा ठंडक महसूस हो रही है। आसपास ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, पीछे साइड जंगल है। तो मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो गायों के लिए ऐसी व्यवस्था करो, नहीं कर सकते तो एक बार मेरे वीडियो को देख लो, मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मतलब अच्छा काम करो जिससे कि दूसरों को, जैसे कि जानवर है उसको हर्ट ना हो। अगर वो जानवर आपसे हर्ट हो रहा है तो आपको जाहिर सी बात है बद्दुआ ही देगा, दुआ तो नहीं दे पाएगा, कैसे देगा वो जब हर्ट हो रहा होगा किसी को। तरफ गेट है, एक इधर है और एक उस साइड है, और बाकी जो चैम्बर्स बने उनमें चारा वगैरह है, दाना वगैरह है। कितनी साफ सफाई है आसपास, क्यों अंकल जी? यहाँ साफ सफाई बहुत ज्यादा है, साफ सफाई करते हैं। आपके यहाँ मैंने यूके में देखा पशुओं को तो ऐसे कीचड़ में और वहाँ बंदे रहता है। हाँ, जबकि पालतू पशु है, गौशाला में भी देखो कितना हुआ है। और सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं गाय बचाओ गाय बचाओ, और गायों की हालत खराब कर रखी है। तो अपने यूपी में ना सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं गाय बचाओ गाय बचानी है, ये करना है वो करना है, और सबसे ज़्यादा गायों की हालत ख़राब कर रखी है ये बोल बोल के। यूपी में ज़्यादा हालत ख़राब है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ देखना भी, और यहाँ गौशाला में घर में जाके देखो या जहाँ भी है गौ होगी बहुत साफ सुथरी जगह पे रखते हैं इनको। हाँ हाँ, और यहाँ देखिए जो कम गाय है तो उनको नहलाते भी हैं। नहीं बिल्कुल, नहलाने के लिए तो पूरा पानी देख रहे हैं, पूरा पानी कोई वेस्टेज नहीं है, बढ़िया से पीने के लिए उसको नहलाते हैं। नहीं ये पानी जो ये भी तो हाँ, ये मतलब थोड़ा सा पानी निकाल डाल दिया रोज सुबह शाम ताजा पानी मिलता उनको। अब पूरा मुझे लगा पहले क्या चबूतरा पीछे बना है, मुझे पहले क्या लगा ये पूरा का पूरा तालाब टाइप का बना रखा है। हमारे यहाँ उधर ऐसा बना रखा है कि पूरा तालाब है, स्विमिंग पूल आदमी भी तैरे उसमें, बट यहाँ पर ये बढ़िया है कि हाँ पानी पीने के लिए है, ये बढ़िया। ये रही गाय, देख रहे हो ये गाय बंधी है यहाँ पर, इनके रहने के लिए देख रहे हो कितना बढ़िया एकदम। वैसे ही है ना, कोई पक्का शेड बनाया ना कुछ है यहाँ पर, बट ये क्या है बिल्कुल नेचुरल है, अभी दिन भर यहाँ रहेंगी, इस पर आराम से घूमती रहेंगी। तो आप लोगों ने देखा ये बहुत ही बढ़िया गौशाला है, अंदर साइड पूरा पक्का है जहाँ पर अच्छे से रहने बैठने के लिए है, बाकी ये थोड़ा कच्चा है, यहाँ पर जो है नेचुरल बना रखा है, आराम से दिन भर गाय आराम से बैठ सकती है गर्मी के समय में और बरसात के समय में अंदर। तो दोनों ही तरह का कंफर्ट यहाँ पर अवेलेबल करा दिया है जानवरों को। हम लोग अभी यहाँ से लौट गए थे, वापस फिर से हम इसी जगह आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी अंदर नहीं गए थे, अभी मुझे लोगों ने बताया कि अंदर जा सकते हो आप और देख सकते हो गौशाला वगैरह हम लोग घूमाए। भाई जी जो हैं यहाँ पर सांसद भी रह चुकी हैं, एमएलए रह चुकी हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से इनके जब इन्होंने एमएलए का फॉर्म भरा था तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी उनके खिलाफ नहीं खड़ा होता, एक तरह से सम्मान था उनका, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। और शायद ऐसा पहली बार था, पहली बार आज तक कभी हुआ ही नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, पहली एक ऐसी एमएलए बनी थी जिसके सामने कोई फॉर्म नहीं भेजा गया था। ओके, ओह तो भाई आज यहाँ पर आश्रम वगैरह घूम लिया है, अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पर जाना है।